नाउ क्वेश्चन 35 देखिए. इन द गिवन फिगर डायमीटर्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ. यहाँ पे ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं और हमें गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है हमारे पास कि जो एंगल ए ओ बी है, ए ओ बी इज ऑफ 60 डिग्री एंड यहाँ पर जो ओ ए है वो 10 सेंटीमीटर, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल है. पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ कोर्ड ए बी. आप समझो ये भी सर्कल की रेडियस और ये भी सर्कल की रेडियस, दो साइडें इक्वल हैं, दो साइडें इक्वल हैं, यानी ये वाले एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. दो इक्वल साइड्स के अपोजिट बनने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो ओ ए बी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओ ए बी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल. आप चेक कर लेना इसको, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा. अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो ए बी कोर्ड है वो ओ ए के बराबर होगी, दैट इज 10 सेंटीमीटर. क्वाइट सिंपल. तो यहां पर ये दोनों आपस में बराबर होंगी. इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. हमें जो ये शेडेड रीजन ये और ये दे रखा है, इसका एरिया निकालना है. तो पहले तो मैं ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेता हूं. एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, इसको हम ए वन नाम दे रहे हैं. एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी होगा. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बनेगा 60/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर. पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 3.14 और आर का स्क्वेयर यानी 10 इंटू 10 माइनस यहाँ पे √3/4 साइड का स्क्वेयर यानी 10 इंटू 10 यहाँ पे 6 टाइम्स. तो ये आ गया, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 3.14/6 और √3 की वैल्यू यूज़ करनी है 1.73, तो ये आ जाएगा माइनस का 173/4. जब आप इसका एलसीएम लेंगे 6 और 4 का तो ये आएगा 12. तो 6 से 12 टू टाइम्स, 2 4 8 16 माइनस 4 3 519. तो यहां पे आ गया 18 - 9 इज 9 और यहां पे आ गया 1 - 1 इज 0, 109/12. अब 109 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9. तो यहां पे आ गया 9.08 सेंटीमीटर स्क्वेयर. ये तो इसका एरिया आ गया. अब हमें इस वाले सेक्टर का एरिया और निकालना है, ओ बी सी सेक्टर का. आप सिंपली समझें कि यहां पर अगर इस पूरे एंगल को करें तो ये एक लाइनर पेयर एंगल बन रहा है और ये 180 का होता है, इसमें ये 60 का है तो ये हो गया 120 का. एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी सी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी सी जिसे हम ए टू नाम दे रहे हैं, तो वो होगा 120/360 इंटू पाई यानी 3.14 और आर तो अभी भी 10 है. ये 3 टाइम्स, ये आ गया 3.14/3. तो 3.14 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से 1 टाइम, यहाँ पे आ गया 1 ना जाने की 0, यहाँ पे आ गया 14 एंड 3 4 12 104.66 सेंटीमीटर स्क्वेयर. ये हमने यहाँ पर एरिया आपका निकाल दिया. इसके बाद आप समझें, अच्छा यहाँ 666 आएगा तो आप इसे 6-7 सेंटीमीटर स्क्वेयर भी कर सकते हैं. हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना था तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इज A1 + A2,
यानी 9.08 प्लस 104.67, ऐड करिए 8, 7, 15, कैरी 1, 6 और 1, 7, 9 और 4, 13, 1, 1, 13 सेंटीमीटर स्क्वेयर एप्रोक्स, यानी 113.75 हमारे पास क्या आएगा, इसका एरिया आएगा। तो ये क्वाइट सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, हमें पहले तो ये साइड बतानी थी, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना तो तीनों साइडें इक्वल होंगी 10 सेंटीमीटर। हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना था, तो पहले हमने माइनर सेगमेंट का एरिया निकाला, फिर इस सेक्टर का एरिया निकाला, दोनों को ऐड करते ही हमें शेडेड रीजन का एरिया यहां पर मिल गया है।